नीतीश कुमार बोले, गया जी में गंगा जी को लाकर पूरा किया वादा। मुख्यमंत्री ने जल स्पर्श कर लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, गया जी में गंगा जी को लाकर वादा पूरा कर दिया है। गंगा जल को मोहड़ा के तेतर जलाशय में संग्रहित किया जाएगा और यहां से गया और बोध गया के घर में आपूर्ति की जाएगी। अब समझ लीजिए, गंगा जी और गया जी एक साथ रहेंगे। गया जी के लिए गंगा जी चल कर आई है। मुख्यमंत्री शनिवार को हवाई मार्ग से मोहरा प्रखंड के तेतर पहुंचे और तेतर में गंगा जी गया जी जलाशय योजना का उद्घाटन किया। जलाशय में पानी आने के बाद मुख्यमंत्री ने गंगा जल का स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि गया जी के लिए गंगा जी चलकर आई हैं। 4 महीने गंगा जी का पानी जलाशय में संग्रहित किया जाएगा और अगले 8 महीने तक गया और बोध गया में जल की आपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2006 में गया जी आए थे तो पानी की किल्लत की जानकारी मिली थी। राज्य सरकार ने गया जी में गंगा जी का पानी लाने के लिए 4,500 करोड़ रुपए खर्च किया है। इस योजना का शिलान्यास मैंने ही किया था और उद्घाटन भी मैं ही कर रहा हूँ। गंगा जी का पानी राजगीर पहुँच गया था, उसे गया जी पहुँचाने के लिए अधिकारियों ने काफी मशक्कत की है। तेतर जलाशय, मुख्यमंत्री ने कहा कि तेतर में बने जलाशय को गंगा जी गया जी जलाशय योजना के नाम से जाना जाएगा। बोध गया और राजगीर ऐतिहासिक स्थल है। गया जी में गंगा जी का पानी आने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री के साथ में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, जल संसाधन के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल, मगध रेंज के IG विनय कुमार, DM डॉक्टर त्याग राजन, SM SSP हरप्रीत कौर आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने शनिवार दोपहर बाद गंगा उद्वह योजना के तहत नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत मोरतनाजे में बने रिजर्वायर का निरीक्षण किया। यहां करीब 20 मिनट तक मुख्यमंत्री ने मोरतनाजे के पूरे इलाके में जलपूर्ति से जुड़े निर्माण कार्य को देखा। नवादा की DM उदिता सिंह ने बताया कि गिरियक रिजर्वायर से राजगीर को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। नवादा जिले के लिए मुख्यमंत्री ने अलग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए पहाड़ी इलाकों में जमीन चिन्हित की जाएगी। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए नवादा तक पानी पहुँचाया जाएगा। नवादा जिले के लिए अलग से रिजर्वायर भी बनाया जाएगा।